अगले महीने होने जा रही एचटैट परीक्षा के मुद्दे पर नैलो ने सूबा सरकार को घेरन की तैयारी की हुई है। इंसो के राष्ट्रीय प्रधान दिग्विजय चौटाला ने कहा है कि इस परीक्षा च सरकार ने विद्यार्थियों प्रति जो रवैया अपनाया वो ठीक नहीं है। उन्होंने मांग की कि जेकर सरकार अपने फैसलों नहीं बदलती तो इंसो इस विरोध सरकार को करड़ा जवाब देगी। दिग्विजय का कहना है कि इंसो इस परीक्षा लिए महिलाओं लिए स्पैशल बस का इंतजाम भी करेगी। हरियाणा प्रदेश में टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होने जा रहा है 1 और 2 फरवरी को, और बड़ा गंभीर इशू है कि कुछ जिलों को तो अति संवेदनशील घोषित कर दिया गया है। तो अति संवेदनशील का मतलब जानना चाहते हैं कि वहाँ पर एडिक्वेट सेफ्टी सिक्योरिटी मेजर्स नहीं हैं या किसी और चीज़ का डर है, और उसमें से एक जिला तो मुख्यमंत्री जी का घर गृह जिला है, एक झज्जर भी है जिनको हम ये मानते हैं कि मुख्यमंत्री जी उसको भी अपना गृह जिला ही मानते हैं। तो जब यही अति संवेदनशील है तो फिर नॉर्मल जिले क्या होंगे, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। इस पर एक तो चिंता व्यक्त करना चाह रहे थे। एक 600 रुपये की जो आपने फीस चार्ज करी वो किस लिए करी? क्या आप बेरोजगारों को भी और लूटोगे? क्या आप जॉब्स देने के नाम पर 600 रुपये 3,78,000 कैंडिडेट से ऐंठना चाहते हो? हरियाणा की फाइनेंशियल हालात इस कदर चरमरा चुकी है। खबरां दी दुनिया विच आओ, साडे नाल कदे भी ते कितों भी जुड़ो। आपां मिलांगे फेसबुक ते, असीं दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।